गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं बीवी यादव, आपका बायो अध्यापक। बच्चों, पिछले क्लास में या टर्म पर हमने आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताया था, यानी मादा जनन तंत्र के बारे में। अब आज है परिवार नियोजन तथा जनसंख्या नियंत्रण, फैमिली प्लानिंग एंड पॉपुलेशन कंट्रोल। हमारे देश की जनसंख्या दिन प्रतिदिन विस्फोटक गति से बढ़ रही है। सन 1961 में भारत की जनसंख्या केवल 43.9 करोड़ थी, जो 2011 की गणना में, जनगणना में 121 करोड़ से अधिक हो गई, और आज तो जो है 135 करोड़ से भी अधिक हो चुकी है। जिस तीव्र गति से जनसंख्या हमारे देश की बढ़ रही है, उस गति से न तो कृषि में अनाजों का उत्पादन हो रहा है और न तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है। इसलिए हमारे देश की जो सरकार है, उसको प्रत्येक वर्ष आवश्यक भोजन, कपड़े, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, परिवहन आदि के व्यवस्था करना बहुत कठिन सा हो गया है। इसलिए देश के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह परिवार नियोजन द्वारा जनसंख्या के नियंत्रण में सहयोग करें। परिवार कल्याण के लिए बच्चों की संख्या सीमित करके परिवार नियोजन या परिवार नियोजित करने की प्रक्रिया को परिवार नियोजन कहते हैं। यानी परिवार कल्याण के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए बच्चों की संख्या को सीमित करके परिवार नियोजित करने की प्रक्रिया को परिवार नियोजन कहते हैं। परिवार नियोजन में बच्चों की संख्या को सीमित करना है। अतः माता पिता को यह निर्णय लेना चाहिए कि जब बच्चे कम रहेंगे तो उन्हें अच्छा भोजन, अच्छा कपड़ा, अच्छी चिकित्सा, अच्छी शिक्षा की सुविधा उन्हें माता पिता दे पाएंगे। और नारा चला हुआ था पहले, छोटा परिवार है सुखी परिवार। तो इस तरह से हम परिवार नियोजन के अंतर्गत बच्चों की संख्या को सीमित कर सकते हैं और उसको रोकने के लिए, जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए तो बहुत सारे उपाय हैं। अब जैसे कुछ व्यवहारिक उपाय, विवाह की आय में वृद्धि। हमारे देश में संविधान में विवाह की जो उम्र है वह लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष है। यह बहुत कम है, क्योंकि 18 और 21 से और 50 साल की उम्र तक बच्चे पैदा करने के लिए बहुत लंबा समय मिल जाता है, और जिसकी वजह से जो है जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ती चली जाती है। अगर इनकी उम्र को बढ़ा दिया जाए, 30 साल कर दिया जाए, 30-35 कर दिया जाए, कि लड़की की उम्र 30 साल, लड़के की उम्र 35 साल हो, तो जो बच्चे पैदा करने के लिए समय है वह सीमित हो जाता, कम हो जाता, और जिसकी वजह से जनसंख्या वृद्धि के दर को कम किया जा सकता है। बच्चों के जन्म के बीच अंतर, स्वेच्छा से एक बच्चे से दूसरे बच्चे के बीच में 5 साल का कम से कम अंतर रखें, लेकिन देखने में क्या आता है, 1 साल के बाद दूसरे साल, दूसरे साल के बाद तीसरे साल, तो बच्चों के बीच में अंतर नहीं हो पाता है, उनकी संख्या बढ़ती जाती है। उससे क्या होता है, माता का स्वास्थ्य भी बिगड़ता है
और बच्चे भी अस्वस्थ रहते हैं, क्योंकि उनको भी हर तरह की सुविधा मुहैया नहीं हो पाती है। इसलिए गर्भपात को कानूनी रूप दे दिया जाए कि भाई जब भी जल्दी ही किसी को प्रेगनेंसी हो जा रही है तो गर्भपात करा करके उस बच्चे को हटा सकते हैं, तो बच्चों के बीच में गैप को बढ़ा सकते हैं, या कुछ जो है गर्भ निरोधक गोलियां हैं उनका सेवन करने से बच्चों के बीच में गैप बढ़ाया जा सकता है। छोटा परिवार सुखी परिवार, यानी परिवार छोटा रहेगा तो उनको हर तरह की सुविधा प्राप्त रहेगी और वो आगे बढ़ सकते हैं, और अगर परिवार बड़ा है तो उसे विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। शिक्षा प्रबंध, शिक्षित समाज जो होता है वह इस बात को भली भांति समझता है, तो वह दूसरे वर्गों को, दूसरे लोगों को शिक्षा दे करके उन्हें समझाया जा सकता है कि सीमित परिवार से क्या लाभ होते हैं और क्या इससे हानि होती है। तो लाभ को जब बताएंगे, हानि को बताएंगे, तो उन्हें भी जानकारी होगी और वो भी प्रयास करेंगे कि हमारा परिवार सीमित रहे। प्रजनन निरोध, सभी जो विवाहित व्यक्ति हैं, व्यक्तियों को कुछ गर्भ निरोधक गोली या पुरुष की नसबंदी, स्त्री की नसबंदी या कंडोम आदि का प्रयोग की जानकारी होनी चाहिए, और अगर उनको ये जानकारी अच्छी होती है तो इसके द्वारा भी जनसंख्या को या बच्चों की संख्या को सीमित किया जा सकता है। कानूनी व्यवस्था, जैसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पर, जैसे चीन है, थाईलैंड है, स्विट्जरलैंड है, वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि के लिए ये संविधान में कानूनी व्यवस्था है कि अगर जिसके पास दो या एक से अधिक बच्चे होंगे तो उनको सरकार की कोई भी सुविधा प्राप्त नहीं होगी, और इस तरह की व्यवस्था यदि अपने देश में भी संविधान में हो जाए कि एक या दो बच्चे से अधिक जिसके पास होंगे उनको कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, उनको प्राइवेट में भी कोई नौकरी नहीं मिलेगी, उनको सरकार द्वारा दी जाने वाली कोई भी सुविधा नहीं दी जाएगी, तो अपने आप लोग जो है दो या एक बच्चे ही रखेंगे, इससे अधिक बच्चे नहीं रखेंगे। अवांछित गर्भधारणा, यौन क्रिया द्वारा हमेशा गर्भधारण की संभावना बनी रहती है, और गर्भधारण की अवस्था में स्त्री के शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं, और गर्भधारण के पहले, बाद में शरीर में जैव रसायन तथा भावनाएं प्रभावित होती हैं। यदि कोई स्त्री गर्भधारण के लिए तैयार नहीं है, जबरदस्ती उसे गर्भधारण कराया जाता है, तो उसके स्वास्थ्य पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए एक स्त्री को गर्भधारण करने के लिए उसे शारीरिक, मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार होना चाहिए, क्योंकि गर्भधारण करना जीवन का एक बड़ा कदम होता है। अतः उस और स्त्री में गर्भधारण को रोकने की जो प्रक्रिया होती है उसको गर्भरोधी विधि कहते हैं, और गर्भरोधी विधियां जो हैं ये तीन प्रकार की होती हैं, अवरोध विधि, रासायनिक विधि, शल्य चिकित्सा विधि। अवरोध विधि, बैरियर मेथड्स, इस विधि में एक अवरोध युक्ति का प्रयोग किया जाता है जिससे शुक्राणु जो हैं वो शुक्रवाहिनी तक नहीं पहुंच पाते हैं या अंडकोशिका तक नहीं पहुंच पाते हैं और निषेचन नहीं हो पाता है। इसके लिए पुरुष के पास ये व्यवस्था होती है कि वह जो है निरोध का प्रयोग करते हैं, और जो स्त्रियां हैं वह डायफ्राम जैसी युक्ति का प्रयोग करती हैं, और निरोध का प्रयोग पुरुष द्वारा किया जाता है
जबकि डायफ्राम का प्रयोग स्त्री द्वारा किया जाता है। तो इसका प्रयोग कर लेने से गर्भधारण नहीं हो सकता है, और तथा विभिन्न प्रकार की जो लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाली बीमारियां होती हैं, जैसे सुजाक है या सिफिलिस है, एड्स है, इससे भी बचा जा सकता है। तो एक तो जो है गर्भधारण को रोका जा सकता है, और दूसरा इन बीमारियों से भी बचा जा सकता है। और दूसरा है रासायनिक विधि, केमिकल मेथड्स। तो इसमें स्त्री द्वारा दो प्रकार की गोलियों का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक प्रकार की गोली जो स्त्री द्वारा खाई जाती है, जिसे खाई जाने वाली गोली कहते हैं, जिसमें हार्मोन्स होते हैं जो अंडाशय में अंडकोशिका के मोचन को रोक देते हैं, यानी अंडाशय जो है अंडे जो है न निकाले, न उत्पन्न करे, जिससे निषेचन नहीं होता है। परंतु ये गोली हार्मोन संतुलन को भी परिवर्तित कर देती है, कुछ शरीर पर उसका बुरा प्रभाव भी पड़ने लगता है। और दूसरे प्रकार की गोली ये होती है कि मैथुन के समय उसके पहले ही थोड़ा स्त्री अपने यौन में गोली को रख लेती है, और जिससे जब पुरुष का शुक्राणु उसमें अस्खलित होता है तो उस गोली उस दवा के प्रभाव से डेड हो जाता है, मर जाता है, और जिससे कि निषेचन नहीं हो सकता है। तो ये केमिकल मेथड्स है दवाओं का प्रयोग जो है। और तीसरी जो विधि है वह है शल्य चिकित्सा विधि। शल्य चिकित्सा विधि में यह गर्भ रोधी विधि है, स्त्री और पुरुष दोनों में होती है, जो एक प्रकार की अस्थाई विधि होती है। इस विधि में क्या करते हैं कि पुरुष में पुरुष की जो शुक्रवाहिनी है, यानी जो वृषण से निकल करके उदर में जाती है शुक्राशय में शुक्राणुओं को लेकर के, उस लंबी नलिकाओं को ऑपरेशन द्वारा क्या करते हैं, अवरुद्ध या उसको काट देते हैं, और काट करके गांठ दे देंगे, जिससे क्या होगा कि शुक्राणु जो होता है वह शुक्राशय में पहुंचने ही नहीं पाता है, और यानी शुक्राणुओं का स्थानांतरण रुक जाता है और निषेचन नहीं होता है। तो ये जो नसबंदी, इसको कहा जाता है पुरुष की नसबंदी, और स्त्रियों में भी नसबंदी होती है। तो स्त्रियों में जो नसबंदी होती है उसको ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, और पुरुषों की जो नसबंदी होती है उसको बैसेक्टोमी कहते हैं। तो स्त्रियों में क्या किया जाता है कि ऑपरेशन के द्वारा जो अंडवाहिनी है, यानी अंडाशय से अंडे निकलते हैं तो अंडवाहिनी में जाती हैं, और अंडवाहिनी में ही निषेचन होता है। तो डॉक्टर क्या करते हैं कि ऑपरेशन करके उस अंडवाहिनी को ही काट देते हैं। तो अंडवाहिनी को काट करके गांठ कर देंगे, जिससे कि अंडे जो हैं वह उदर में गिर जाएं, वह अंडे जो है कहाँ न पहुंच पावे, अंडवाहिनी में न पहुंच पावे। तो जब अंडवाहिनी में नहीं पहुंच पाएंगे तो निषेचन क्रिया संभव नहीं होती है। तो इस तरह से पुरुष और स्त्री की नसबंदी द्वारा भी ये कार्य रोका जा सकता है, यानी गर्भ धारण का नहीं कराया जा सकता है, गर्भ नहीं हो सकता है। अब इसके अतिरिक्त और भी कुछ विधियां हैं, जैसे अंतर गर्भाशयी गर्भरोधी युक्तियां। इसमें स्त्रियां क्या करती हैं, अपने गर्भाशय में कॉपर टी या लूप लगवा लेती हैं, और जिसके कारण ये डॉक्टर स्थापित करते हैं गर्भाशय के अंदर, और जिससे कि निषेचन नहीं हो पाता है, यानी जनसंख्या पर नियंत्रण किया जा सकता है। अब शल्य चिकित्सा पूर्ण तरह से सुरक्षित है, परंतु डॉक्टर की थोड़ी सी भी असावधानी अगर होती है तो उसका बहुत बुरा प्रभाव जो है
पढ़ने लगता है। और इस तरह से अब अपने देश में क्या है कि गर्भपात कराना जो है कानूनी जुर्म है। अगर कोई भी डॉक्टर पकड़ा जाता है तो उसके लिए जो है उसको सजा दी जाती है। लेकिन सामान्य लोगों को यह समझना चाहिए कि लड़का या लड़की दोनों अगर समाज में नहीं रहेंगे तो सभी की शादी नहीं हो सकती। अगर सारी लड़कियां मार दी जाएंगी गर्भपात करा करके तो फिर जो लड़के बचेंगे उनकी शादी नहीं हो सकती है। तो इसके कारण भी जो जनसंख्या है वह जनसंख्या का संतुलन ही पूरा क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। तो आप देखते हैं कि भारत में ही कुछ सारे ऐसे प्रदेश हैं जहां पर कि लड़कियों की संख्या बहुत कम है और उस प्रदेश के लड़के शादी करने के लिए दूसरे प्रदेशों से पैसे से खरीद करके लड़कियों से शादी करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो ये ऐसी स्थिति समाज में नहीं आनी चाहिए। जो लिंग अनुपात है वह एक निश्चित है और वह बरकरार रहना चाहिए, तभी समाज सभ्य रहेगा, संतुलित रहेगा और जनसंख्या असंतुलित नहीं होगी। तो इस तरह से बच्चों मैंने आज आप लोगों को परिवार नियोजन तथा जनसंख्या नियंत्रण के संबंध में पढ़ाया और यहीं पर ये क्लास समाप्त होता है। गुड बाय, थैंक।